सभी यहाँ उपस्थित हुए और इस सभा को सफल बनाने में सहयोग दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हेलो, आप सभी लोग दूर दराज से पधारे, धूप में सिलसिलाती धूप में 8 बजे से आप बैठकर प्रिय अतिथियों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप खुद भी यहाँ पर हैं, सिर्फ एक ही माहौल है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, और ये हर गरीब के, हर किसान के, हर युवा भाई के और मेरी हर बहन के मुंह पे एक ही नाम है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मैडम, आपकी और जनता का क्या मूड है? जनता में सब आ गए ना, जनता अलग थोड़ी है, जनता में ये सभी हैं और जनता निश्चित रूप से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। मैडम देखिए, कांग्रेस का तो काम ही आरोप लगाने का है। अब उनको पूछो कि स्वाइन फ्लू से इतने लोग मर गए, आपकी सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? वहाँ आप विफल हो गए। नोटबंदी का जो था उसकी वजह से आज हमारे देश के अंदर जो काला मनी था वो बाहर आ गया, देश को इतनी रेवेन्यू हुई है। हाँ, इसमें तकलीफ ज़रूर कुछ लोगों को हुई, लेकिन वो गरीब मजदूर को नहीं हुई, वो तकलीफ होने वालों को हुई। 21 तक देखिए, हमारा तो कम से कम ये है कि 5 लाख लोग आ जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि 5 से ज़्यादा ही आएंगे। मोदी जी के लिए आज पूरे देश में उत्साह है, केवल बाड़मेर में नहीं है। 25 में से 25 आएगी, 26 भी होती तो वो भी आ जाती, अब 25 है तो 25 में से 25 आएगी। मोदी जी को लाना है। लोकसभा चुनाव को लेकर आप सक्रिय हो, हर गांव-गांव घूम रहे हो, और आपको क्या नजर आता है लोकसभा चुनाव? लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी और पूरे राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी। सर, ये अब की बार जनता का क्या मूड है? जनता का मूड नरेंद्र मोदी जी के साथ है। सर, कांग्रेस बाड़मेर में कांग्रेस तो झूठी है और उसके आरोप लगाना ही उसका काम है, और झूठे लोगों को जनता ने पहचान लिया है। तो आपकी राजस्थान में कितनी सीटें होगी? राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, करीबन कितनी भीड़ कर लोगे आप? नरेंद्र मोदी जी की सभा के अंदर लाखों की संख्या के अंदर लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, लाखों की संख्या में आएंगे।